इतिहास के कुछ पात्र ऐसे होते हैं जिनकी कोई एक पहचान आप नहीं दे सकते। गुजरात के इतिहास में ऐसा ही एक पात्र आया इंदुलाल याग्निक का। गुजरात में वो इंदु चाचा के नाम से जाने गए और वो असली वाले फकीर थे। उन्होंने अपनी कारकिर्दी में क्या कुछ नहीं किया, पत्रकार हुए, फिल्में बनाई, गांधी जी के साथ जुड़े, लेफ्ट वो सोशलिस्ट मूवमेंट से जुड़े, महागुजरात आंदोलन का नेतृत्व किया, सांसद बने 4 बार, लेकिन दुनियादारी जो है उनको छू नहीं पाई, दुनिया के जो प्रलोभन है उससे वो चलित नहीं हुए और अंत तक अपनी जो फकीरी है उसमें मगन रहे। गांधी जी जब भारत आए 1915 में, तो उसके बाद जो लोगों से उनकी मुलाकात हुई और जो लोग उनसे मिले बड़ी आशा अपेक्षा लेकर, उसमें से एक इंदुलाल भी थे। क्योंकि इंदुलाल और उनके सारे जो मित्र थे, शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी वगैरह, बम्बई वाले, तो ये सब तो सक्रिय थे पहले से, गांधी जी के आने से पहले। वो देखना चाहते थे कि भाई ये जो नए आए हैं गांधी, ये क्या कर सकते हैं। तो इंदुलाल से जब गांधी जी की पहली मुलाकात हुई, तो कुछ और लोगों की तरह इंदुलाल भी गांधी जी से काफ़ी निराश हुए। उनको लगा कि ये बंदे में ऐसा कोई दम नहीं लगता। जो मोहिनी होती है गांधी जी में प्रकट रूप से, वो मोहिनी नहीं थी, ऐसा इंदुलाल को लगा। लेकिन उनको ये भी लगा कि भाई ये बंदा अपनी धुन में पक्का है। तो 1919 में रोलेट बिल्स के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। बॉम्बे क्रॉनिकल जो कि एक राष्ट्रवादी अखबार था, अंग्रेज एडिटर था हॉर्निमन, तो उस पर काफ़ी पाबंदियाँ आई। तो इंदुलाल ने और उनके दोस्तों ने वो जो अखबार चला रहे थे साप्ताहिक, गुजराती में नवजीवन और अंग्रेजी में यंग इंडिया, ये दोनों गांधी जी को सौंप दिए। इंदुलाल जो साप्ताहिक चला रहे थे उसका नाम था नवजीवन अने सत्य। सत्य नामक एक अलग साप्ताहिक था जो कि इसके साथ जोड़ दिया गया था। तो उन्होंने गांधी जी को ये साप्ताहिक सौंपा, गांधी जी उसे बम्बई से अहमदाबाद ले आए। यंग इंडिया का भी ऐसा हुआ, गांधी जी अहमदाबाद ले आए और नवजीवन और सत्य में से गांधी जी ने सत्य को निकाल दिया सिर्फ शब्द के तौर पर, और नवजीवन इसका नया नाम रखा गया। गांधी जी इसके एडिटर बने, लेकिन उसका जो कारोबार है वो काफ़ी हद तक इंदुलाल चलाते थे। लेकिन इंदुलाल की जो मूल प्रकृति, उनका मूल स्वभाव था, वो नॉन कन्फर्मिस्ट था। तो गांधी जी से कुछ मतभेद हुए तो वो नवजीवन छोड़कर चले गए। ऐसा कई बार उनके जीवन में हुआ, सरदार से मतभेद हुए, गांधी जी से मतभेद हुए, फिर सुलझ भी गए, फिर वापस भी जुड़े। लेकिन इनके जीवन में इतने नाट्यात्मक चढ़ाव उतार है कि शायद ही किसी और नेता के जीवन में इतने वैविध्यपूर्ण चढ़ाव उतार आपको देखने को मिलेंगे। वो जर्मनी जाकर रहे, ब्रिटेन जाकर रहे, वहाँ पे आयरलैंड के मुक्ति संग्राम में उन्होंने काम किया। इससे पहले जब वो पत्रकार थे, काफ़ी सारे अखबार सामयिकों में काम करते थे, तो पहले विश्वयुद्ध के दौरान वो रिपोर्टिंग के लिए मेसोपोटामिया गए थे। तो यही एक चीज़ थी इंदुलाल के स्वभाव में जो उनको किसी बंधन का स्वीकार करने नहीं देती थी। पब्लिक लाइफ में इतने सक्रिय होने के बावजूद एक फेज उनके जीवन में ऐसा भी आया जब उन्होंने ये सब छोड़ छाड़ कर ऐसा तय किया कि भैया बम्बई रहकर मुख फिल्में बनाएंगे। तो उन्होंने मुख फिल्में बनाई। उनकी एक बड़ी ही प्रसिद्ध मुख फिल्म थी गुजराती, इसका नाम था पावागढ़नु पतन। दूसरी एक फिल्म थी जिसका नाम था यंग इंडिया। ऐसी 4-5 फिल्में भी उन्होंने बनाई, फिर वो भी छोड़ दिया। बम्बई में ही एक सोशलिस्ट पत्र था रणछोड़लाल लोटवाला का, उसके वो संपादक बने। तो जब बारडोली सत्याग्रह हो रहा था, तो इंदुलाल एक अलग दृष्टिकोण से, अंग्रेज़ की फेवर करके नहीं लेकिन किसानों के और जो छोटे किसान थे उनकी बात करते हुए, एक अलग ही लेवल से बारडोली सत्याग्रह की आलोचना कर रहे थे। तो इन सब के बावजूद गांधी जी और सरदार पटेल के साथ छोटे मोटे मन मुटावों के बावजूद गांधी जी के प्रति उनका हमेशा एक आकर्षण रहा। सत्ता के प्रति इंदुलाल के मन में जरा भी आकर्षण नहीं था। तो किसान, दलित, मजदूर, ऐसे लोगों के लिए उनके मन में हमेशा एक भावना बनी रहती थी कि इनके लिए क्या किया जाए। और वो इतने भावनाशाली थे कि जब इनके हित की कोई बात आती थी तो वो किसी के भी सामने अड़ सकते थे।
ऐसी चढ़ाव उतार वाली कारकिर्दी के कारण शायद 1947 तक अगर गुजरात में किसी को पूछा जाए तो बेशक इंदुलाल बड़े नेता थे, लेकिन आज शायद उनको कोई याद न करता। लेकिन आज इंदुलाल को जो याद किया जाता है वो उनको महागुजरात आंदोलन के नेता की हैसियत से याद किया जाता है। 1956 में जब महागुजरात आंदोलन शुरू हुआ तो इंदुलाल उसके नेता बने। उन्होंने तुरंत आंदोलन की बागडोर संभाली। आंदोलन अलग गुजरात के लिए था। उस समय उन्होंने जो भाषण दिए, एक बार तो अहमदाबाद में पंडित नेहरू की सभा थी, इसके समांतर ही इंदुलाल ने अपनी सभा रखी। उस समय पंडित नेहरू की जो लोकप्रियता थी इसका अंदाज़ा आज लगाना मुश्किल है, लेकिन ऐसी लोकप्रियता के होते हुए भी इंदुलाल की सभा में काफ़ी सारे लोग आए। महागुजरात आंदोलन के समय इंदुलाल का रुतबा लोगों के दिलों में इतना बड़ा हो गया कि वो एक तरह से फकीर राजा बन गए। वो फकीर तो थे ही, मतलब उनकी जेब में हमेशा चने रहते थे, वो कई बार चना खाकर गुजारा कर लेते थे। जेब में पैसे है नहीं है कोई उनको फिक्र ही नहीं थी, लेकिन लोग जानते थे कि ये जो बंदा है हमारे लिए काम करता है, और हमारे लिए जब काम करता है तो अपने स्वार्थ के बारे में वो इतना भी नहीं सोचता। तो कई लोगों ने ऐसा लिखा है कि जब इंदुलाल अहमदाबाद आते थे और रास्ते पे निकलते थे तो रिक्शा वाले, ऑटो रिक्शा वाले उनको अपनी रिक्शा में बिठाने के लिए छीना झपटी करते थे। सबको लगता था कि भाई इंदु चाचा हमारी रिक्शा में बैठने चाहिए। अब ये भी एक आयरनी कह लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू भी चाचा के नाम से जाने गए और गुजरात में इंदुलाल भी इंदु चाचा के नाम से जाने गए। गुजरात में कांग्रेस के विरोध का एक जो वातावरण बना, इसमें महागुजरात आंदोलन का काफ़ी हिस्सा रहा। महागुजरात जनता परिषद नामक एक राजकीय पक्ष भी बना, और इंदुलाल 1957 से लेकर 1972 में उनकी मृत्यु हुई तब तक सांसद बने रहे। एक बार तो ऐसे फकीर आदमी ने, जिसके पास कई बार ना खाने के पैसे होते थे ना चाय पीने के, उसने चुनाव में, संसद के चुनाव में अहमदाबाद के नगर सेठ को हरा दिया था, क्योंकि वो फकीर सही मायनों में लोगों के दिल पर राज करता था। अब आज ये माजरा है कि फकीर शब्द बोलते वक्त मन में वो अपना नाम लिखा हुआ महंगे वाला सूट दिख जाता है। पत्रकार होने के उपरांत वो नाटक, नवल कथा वगैरह भी लिखते थे, लेकिन उनका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रदान है, और वो सिर्फ राजकीय नहीं गुजरात के सांस्कृतिक इतिहास में उनका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रदान है वो है उनकी आत्मकथा। पहली बार जब वो प्रकाशित हुई थी तो 6 भाग में प्रकाशित हुई थी। शायद गुजरात में इतनी लंबी आत्मकथा किसी और ने नहीं लिखी, और सिर्फ लंबी ही नहीं, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही समृद्ध आत्मकथा इंदुलाल की है। काफ़ी सालों तक वो आउट ऑफ प्रिंट रही, एक अरसे के बाद उसका पुनः प्रकाशन हुआ, और अच्छी बात तो ये है कि अब वो अंग्रेज़ी में भी उसका अनुवाद हुआ है और वो अंग्रेज़ी में भी उपलब्ध है। आप ये पढ़कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंदुलाल की मनोसृष्टि, उनके विचारों का व्याप, उनकी भावनाएँ कितने ब्रॉड है, कितने विशाल है, और अपने बारे में लिखते वक्त वो कितने क्रूर हो सकते हैं। 1960 में आप जानते हैं कि महाराष्ट्र अस्तित्व में आया, तो एक बात ये हुई कि भाई एक राज्य महाराष्ट्र है तो दूसरा राज्य महागुजरात क्यों नहीं। लेकिन इंदुलाल ने समझाया लोगों को कि भाई देखिए, गुजरात ही महागुजरात है, इसके आगे महा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक राज्य महाराष्ट्र बना, लेकिन दूसरा राज्य महागुजरात नहीं बना, सिर्फ गुजरात बना। खुद फकीर होते हुए भी दूसरों की सहाय करने में इंदुलाल हमेशा तत्पर रहते थे। गुजरात के भावी मुख्यमंत्री उस वक्त माधव सिंह सोलंकी उस वक्त पढ़ रहे थे, तो इंदुलाल उनको आर्थिक मदद किया करते थे। उसके बाद उनको पत्रकार की हैसियत से भी इंदुलाल ने ही मौका दिया। इंदुलाल की ही चिट्ठी से माधव सिंह सोलंकी पहली बार गुजरात समाचार में नौकरी करने गए, और इसके बाद आगे जाकर राजकीय कारकिर्दी में माधव सिंह सोलंकी सबसे ज़्यादा सीट लाने वाले कांग्रेस के मुख्य प्रधान बने। आज के अहमदाबाद में लाल दरवाजा विस्तार में एक छोटा सा बगीचा है, वहाँ पर इंदुलाल की एक प्रतिमा लगी हुई है, बहुत बढ़िया प्रतिमा है, जिसमें इंदुलाल झोला लिए चलते हुए दिखते हैं।
लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वो प्रतिमा का प्रतीकात्मक मूल्य भी नहीं रह गया है। अब इंदुलाल की याद रह गई है उनकी किताबों में और उनकी आत्मकथा अंग्रेजी में आने के कारण उन अभ्यासियों में जो समझना चाहते हैं कि 20वीं सदी के आरंभ का गुजरात कैसा था।